तो अभी जो है हम मुखबा गांव में हैं, जो महज 2-2.5 किलोमीटर है आपके हरसिल से। इस गांव की दो बड़ी फेमस चीज़ें हैं, एक तो फैट्रिक विल्सन जिसको पहाड़ी कहते हैं, उनका यहाँ उस ज़माने के मकान उन्होंने बनाए हुए हैं, अभी आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ एक पहाड़ी लड़की से उन्होंने शादी करी थी, अब वो तो रहे नहीं दोनों, लेकिन उनके मकान की जो कुछ निशानियाँ हैं वो आपको दिखाएंगे। दूसरा इसकी महत्वता ये है, यहाँ पर जो है जो गंगोत्री टेम्पल है, गंगा मैया की, जहाँ दर्शन करने लोग जाते हैं उत्तराखंड में, सो सर्दियों में बर्फ़ पड़ने के बाद उस गंगा मैया का जो है जो स्थान है जहाँ वो विराजमान होती है, वो मुखबा में। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तर्ज पे जो है ये मंदिर का निर्माण भी किया। वहाँ पर एक ऋषि मतंग ने, जब कहते हैं कि वहाँ तपस्या करी थी, तो गंगा मैया ने उनसे कहा था कि आप हमें सर्दियों में बर्फ जब पड़ जाती है, ढक जाता है, लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जो है आप हमें यहाँ शिफ्ट करिए, कहाँ, द मुखबा विलेज। तो इसलिए इसकी भी महत्वता उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी गंगोत्री टेम्पल की है। तो चलिए जरा अब पहले फैट्रिक विल्सन के बारे में थोड़ा जानें यहाँ के किसी लोकल लोगों से। चलिए, तो यहाँ कुछ लोकलाइट से वी विल आस्क अबाउट द विल्सन द पहाड़ी। आइए, ये श्यामाल जी, एक तो वो एक कौन थे मंदिर, ये जो गंगा मैया का मंदिर है जी, वक्ष गंगोत्री माँ, हाँ, तो यहाँ पर सर्दियों में आनू, हाँ। ऋषि मतंग साहब कौन थे? ऋषि मतंग साहब तो अलग थे ना, ऋषि मतंग साहब ने जिन्होंने इसकी यहाँ की स्थापना की थी ना, वो तो ऋषि अलग थे ना। तो ये बहुत साल पहले की बात है, यहाँ टूट गया था ये जो सुखी जो टॉप है ना, वो आ गया था वहाँ, बहुत स्लिप आ गया था, फिर गंगा जी रुक गई थी। ये जो मार्कंडे है हमारा पहाड़ है, यहाँ गंगा जी से आने के लिए 102 सीढ़ियाँ मंदिर वक्त जी मंदिर है, वहाँ अन्नपूर्णा आती है, गंगोत्री है ना आजकल, हाँ, वहाँ अन्नपूर्णा रहेगी शीतकाल को। अच्छा। और यहाँ गंगा जी की मूर्ति रहेगी, दिवाली के दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं हम लोग, दूसरे दिन गंगा जी को वहाँ से हम डोली में उठा करके आते हैं, फिर रात्रि विश्राम देवी मंदिर 1.5 किलोमीटर आगे वहाँ रहते हैं। वो जगह कुछ देवी मंदिर है हमारे यहाँ, ये तो मार्कंडे, यहाँ मार्कंडे ऋषि का आश्रम था यहाँ ना, तो तब दूसरे दिन भैया गंगा जी यहाँ स्थापित हो गई। अप्रैल में जैसे वो अक्षय तृतीया का पर्व आएगा, अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व यहाँ से डोली में बिठा के उसी ढंग से, तो भैरव घाटी रात्रि विश्राम होता है। समाल जी, मुखबा एक और चीज के लिए मशहूर है जी, फ्रेडरिक विल्सन फैट्रिक पहाड़ी जी, है ना, बिल्कुल उनके तब यहाँ मकान बोला तीन है उनके, एक पांच पांच मकान जी, पांच मकान बना रहे हैं। ये एक तो ये है, ये तो उनके ससुराल वालों का, इसको अगर आप नीचे से देखेंगे, चलिए दिखा के लाते, चलो। अभी वी आर एंटरिंग जो उनके ससुर जी थे फ्रेडरिक विल्सन के, उनके विलेज में उनके। सो देखिए पुराना जो है उस जमाने का, ये अलमारी में और कपड़े रखे हैं भाई। सर आइए नीचे। नमस्कार, ये भी है यहाँ से कॉल है, जहाँ है सर यहाँ से धीरे धीरे। अच्छा, फ्रेडरिक विल्सन हैज कंस्ट्रक्टेड 5 हाउसेस इन दिस विलेज। चलो देखते हैं। ये पहला बनाया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, बनाया तो उन्होंने इसका ऐसा, इसको मैं पूरी से सुनाऊंगा आपको ना, इतना अंतर है अब कि जो ये इस यहाँ रहते हैं वो है प्रेमचंद जी,
वो हमारे हम मरे हम। अच्छा, उनके पिताजी थे मसीह। अच्छा, मसीह के पिताजी थे सुखदयानंद। अच्छा, और सुखदयानंद के पिताजी थे मंगीतू। तो मंगीतू की जो बहन थी वो थी, उसका नाम था राय माता। पहले तो मंगीतू की नहीं, राय माता, राज राय माता, राय माता, हाँ राज माता, गलत किताब पे राज माता लिखा हुआ है, बहुत गलत है, राय माता नाम था। तो पहले तो मंगीतू ने अपनी बहन दी थी विल्सन की। अच्छा, तो उनका नाम था सुविधा। सुविधा, सुविधा की संतान नहीं होगी। तो सुविधा ने कहा कि हर्षल का इतना बड़ा बंगला है और यहाँ इतने इतने मकान हैं, कौन ये संपत्ति खाएगा, पारधन संपत्ति थी उनके पास। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी भाई मंगीतू की लड़की राय माता, उनकी उम्र थी उस समय 18 वर्ष। अच्छा, हाँ जी, और विल्सन था 54 वर्ष का। 54 वर्ष का, हाँ जी, 3 गुना अंतर था। तब ले गए, तब फिर उनका बच्चा हुआ। पहले एंजरी, पहले तो एक इंग्लैंड से थी उनकी घर वाली, तो उसका तो था चार्ली विल्सन, चार्ली विला होटल सुना होगा आपने। और ये मसूरी का जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, ये भी उन्होंने ही बना रखा है, जहाँ आई एस की ट्रेनिंग होती थी। तब यहाँ हुए उनके एंजरी विल्सन, कहाँ, यहाँ हर्षल, हर्षल जी, हर्षल एंजरी विल्सन हुआ। फिर यहाँ उन्होंने एक तो और मकान दिखाऊँ मैं, और भी 3 मकान तो यहाँ है। ये तो उनका अपने ससुराल वालों का था, यहीं वो आते जाते रहते थे। तब पहला मकान यही था, फिर उसके बाद जो समय माल गुजार थे हमारे, उनके लिए बना रखा है आगे थोड़ा सा। फिर एक उनके जो गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित थे तुलसीराम जी, एक मकान उनका बना रखा ऊपर दिखाई देता है यहाँ से। और 2 मकान इन्हीं के परिवार के जो लोग रहते थे ये गांव से थोड़ा सा आगे, वो दूसरा। वो खुद कहाँ रहते थे, कौन, विल्सन साहब? वो तो हर्षल विल्सन हाउस में रहते थे, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी जी, नहीं वो तो जल गया 97 में जला। हाँ जी, वो तो 16 फरवरी को हम लोगों ने बहुत बुझाया वहाँ आग, लेकिन नहीं कुछ नहीं हो पाया। और आप लोग मतलब जुड़े हुए हैं बहुत उससे? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग यही पीढ़ी ना, मतलब ये उन्हीं की पीढ़ी से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये क्या करना तुम, ये राजमा है, ये राजमा नहीं तो वो तो उसमें होता है दूसरा कलर, सफेद चाहिए जी, सफेद ही तो होता है। हमारे यहाँ का राजमा तो बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं ना, आप ये आज उस समय की दीवारें अभी भी देखो ना, है बिल्कुल, पेड़ देखो ना, पूरे पूरे पेड़ लगा रखे का क्यों नहीं, ये देखिए ना, ये पूरा का पूरा देखो, देवदार है पूरा। आज के जो बीम्स हैं, पिलर्स हैं, उससे ज्यादा स्ट्रांग है ये, नहीं सर? आजकल के नलके देखो ना, कैसे देखो, रो रहे के पानी फेंक रहे हैं। ये क्या चीज़ है, आप भीतर जाओ, धोरे आज कमरे हैं ये, कैसे धोरे हो, घास है, ये घास है। अच्छा अच्छा अच्छा, शीतकाल के लिए है ना भी। ओके ओके ओके, ये फट्टे देखो आप, अभी भी आइए इधर से निकल जाते हैं, इधर से है ना। चलो फिर ठीक है, आ जाओ। ये यहाँ से भी ऊपर है ये? हाँ, यहाँ से ऊपर जाओ, नीचे से आ जाना आराम से। हेलो, हाँ बैठा बैठे, चलिए अभी तो कुछ भी नहीं है, पुराने जमाने के दरवाजे देखो, खतरनाक खड़े पड़े हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, आप 1, 2, 3 मंजिल तो यही है, और चौथी मंजिल इसके ऊपर है। इसके ऊपर बताओ, ये उसके ऊपर अंदर से रास्ता है। हर्षल में रुका हूँ, हर्षल के बाद वो गंगोत्री गए, 2 दिन गंगोत्री। इनका जो उनकी लिप पत्नी थी जिसके बच्चे हुए, राय माता, राय माता का भाई था सुखदयानंद। तो सुखदयानंद को राय माता ने कहा विल्सन से कि इसको पढ़ाने के लिए ले जाओ, तो उसको देहरादून ले गए।
तो कोई कैम्ब्रिज स्कूल है क्या है, किसी स्कूल में उसने अध्ययन किया और वहीं का वो इंग्लिश का टीचर बन गया था। अच्छा। मुखवा का रहने वाला और इंग्लिश का टीचर बन गया था, तो वहीं पढ़ाता था। तब उसने वो गांव आया, तब उसने छोड़ दी थी नौकरी और तब गांव में रहने लग गया। तो वो लेखक था बहुत बड़ा, कविताएँ बनाता था हर चीज़ पर। विल्सन की उनकी तो मेरे ख्याल सिमेट्री वहाँ है, मसूरी में। मसूरी में, मसूरी में तो लाल बहादुर। वो कहा कि वो मतलब विल्सन साहब जो है लड़ाई से भगोड़े थे वो अफगान। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं गलत है, ऐसा नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी में थे वो। तो उनका रिकॉर्ड है कि कलकत्ता से मेरठ तक वो पैदल थे। अच्छा। सुभजन ने लिखा हुआ है। अच्छा। कलकत्ता से मेरठ तक 2 दिन 1 रात लगते ट्रेन और पैदल चले वहाँ से। ऐसा हुआ कि विल्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गई, डॉक्टर ने चेक किया। तब कहा कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ देवदार के वृक्षों से नीचे से निकलता है जो पानी, उस पानी को पियो, तुम ठीक रहो। तब हो तब आए हो इधर, पहले मसूरी है, तब वहाँ से इधर, तब हर्षिल रहा, तब 2 दिन गंगूत रहा, तब हर्षिल उसको वहाँ पर जमा को अपार धन जमा पेड़ों की देखी उसने। पेड़ों पे उसकी नज़र गई कि ये पेड़ ले जाऊँगी तो आपने ट्रेन में देखे होंगे। अब तो हाँ नहीं नहीं सीमेंट के लगा रहे हैं। अच्छा। पहले लकड़ी के लगते थे, देखे आपने पटरी के नीचे। तो वो सब उसे नहीं दे रही थी, यहाँ से नदी में बहा के ले जाता था, वहाँ हरिद्वार में पकड़ता था, तब बेचता था। यहाँ मतलब कहते हैं कि आलू और सेब भी उन्होंने लगवाए। जी हाँ, सेब की जो ये राजमा है, राजमा के पौधों को बीज वही लाए, और जो सेब लाए, नाम ही है उसका विल्सन वैरायटी। विल्सन वैरायटी, विल्सन वैरायटी, सेब भी वही लाते। अंग्रेज लोग नहीं आते। एक दिन यहाँ ऐसे हमारा मेला चल रहा था और डोली मोड़ रही थी। अच्छा। उसने कहा इसके ऊपर रख दो डोली को। अच्छा। और रखिए और बजाओ आप ढोल। बजाए ढोल तो नहीं मरता था, कैसे मुड़ेगा, गंदे के ऊपर मुड़। बिल्कुल। तो वो हमारे देवता को जानता था और आखिर में हमारे देवता ने उसको श्राप दिया कि एक बार हमारे यहाँ क्या होता है, फरसे होते हैं, देखे नहीं आप फरसे? फरसे के ऊपर आदमी चलता है हमारे यहाँ 16-17 सितंबर को। तो उसने देखा, दूसरे दिन यहाँ से हमारे लोग गए हर्षिल उसके बंगले पे कि यार विल्सन साहब कल आपने मेला देखा हमारा, उसमें देखा आपने फरसे के ऊपर आदमी चलता है क्या? हाँ फरसा है लेकिन वो तेज नहीं है, मेरे पास 7 स्पेशल तलवार है यहाँ, इनके ऊपर तुम्हारा देवता चल के दिखाया। तो जो बड़ी उम्र के थे उन पे नहीं आए देवता, 12 वर्ष के ब्रह्मदत्त जी थे हमारे परिवार के, उन पे देवता आ गए। कहा कि अपने आदमियों के पास ये तलवारें दो। उन्होंने तलवार पकड़ी और कहा इतने नंबर का जो बॉक्स है, गांजा बोलते हैं हमारे यहाँ बॉक्स लकड़ी के, उसमें जो सॉल रखा हुआ है 1864 में उस सॉल की कीमत थी 500 रुपये। वो सॉल हमारे देवता के भंडार में आज मौजूद है। जी हाँ सत्य है, वो दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा। तो तब कहा कि उस सॉल को पहना, तो उसने कहा यार मेरी तो 3 पत्नियाँ हैं, ये मैं जानता हूँ मैंने किसके लिए ला रखा है ये। इससे लड़ी 12 साल के ब्रह्मदत्त को कैसे पता चल गया? वो गया लाया अंदर से सॉल पहना और 7 तलवारों पर ब्रह्मदत्त जी चल गए। तो सष्टांग हो गया कि देवता क्या देना है भगवान। देवता ने कहा कि मैं तुझसे ले लूँगा नहीं कुछ, तू अब मुझसे हार गया। अब जो तेरे विल्सन हाउस पे भी गई घंटी है, ये घंटी तेरे विल्सन हाउस पे नहीं, ये मेरे मंदिर पे वो घंटी है यहाँ पर। तो ये घंटी ली देवता ने और कहा कि जो ये 7 तलवार है इनमें से 1 तलवार उठा करके आप गंगा मंदिर में रख दो। तो 1 तलवार अभी भी गंगोत्री मंदिर में। अच्छा। हाँ जी ये है, लोग मतलब आज भी याद करते ही हैं उनको। याद करते हैं, ऐसा है ना, दोहे तो बहुत किया उन्होंने, हमारे यहाँ से पेड़ इतने काटे उन्होंने। हाँ, बहुत होता है, टिम्बर मर्चेंट का काम किया। फिर दूसरे में क्या किया उन्होंने कि कस्तूरी मिर्ग रहते थे ना। हाँ, बहुत मस्त डियर, तो हमारे यहाँ के लोग कस्तूरी मिर्ग की मिर्ग के नाभी में जो रहता है कस्तूरी उसको नहीं जानते थे, उसी ने सिखाया। तब वो जाता था जगह जगह मार के तब बेचता था, तो लोगों ने फिर तब सीख लिया। तो ये दोहन भी किया और कुछ हमको दे के भी। आज राजमा जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध है उसी की देन, विल्सन वैरायटी सेब है उसी की वैरायटी सेब। आलू भी लाया जाऊँ? आलू नहीं, आलू तो नहीं, राजमा और राजमा और सेब। अभी हमारे सुभाष चंद्र सहवाल जी यहाँ, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कमी थी वो भी पूरी करी। और देर इज़ अ बुक राजा ऑफ हर्सिल, सो वो इतनी ज़्यादा सहवाल जी ने कर, हमने भी पढ़ी, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स इरेगुलरिटीज़ काफ़ी हैं। और सहवाल जी आपके बेटे नहीं, किताब नाती वो एक बहुत बेहतरीन किताब लिख रहे हैं यहाँ के बारे में, उनके फ्रेडरिक विल्सन के बारे में। तो वी होप कि इस किताब को आप जल्दी जल्दी
लिखें और हम तक वो भी पहुंचे। जी बिल्कुल, आप एड्रेस दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज दूंगा। ठीक जी, जवाब जी नमस्कार है। थैंक यू।